सोलन के धर्मपुर में दो ट्रकों की भीषण टक्कर हुई, जिसमें एक ट्रक टक्कर के बाद सड़क से नीचे जा रही रेलवे लाइन पर गिर गया, जिसकी वजह से कुछ ट्रेनों का समय भी बाधित रहा। इस घटना में दोनों ट्रक चालकों और उसमें बैठे अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से कुछ घायलों को सोलन से PGI रेफर कर दिया गया है। सोलन के धर्मपुर में दो ट्रकों की भीषण टक्कर हुई, जिसमें एक ट्रक टक्कर के बाद सड़क से नीचे जा रहे रेलवे लाइन पर गिर गया, जिसकी वजह से कुछ ट्रेनों का समय भी बाधित रहा। इस घटना में दोनों ट्रक चालकों और उसमें बैठे अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से कुछ घायलों को सोलन PGI रेफर किया गया है। हैरानी वाली बात तो ये है कि जहां ये घटना घटी है वहां 4 लाइन है, लेकिन अनियंत्रित ट्रक बेहद तेज रफ्तार में था। वह अपनी लाइन को लांघ कर किन्नौर जा रहे ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक सीधा नीचे गुजर रही रेलवे लाइन पर जा गिरा। पुलिस ने इस घटना पर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि एक ट्रक जो हरियाणा से किन्नौर मिट्टी का तेल लेकर जा रहा था, जब वह धर्मपुर से आगे निकला तो सामने से आ रही ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वह खाई में गिर गया। पुलिस ने इस शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पास एक मिस्टर पंकज हैं जो कि कालका के रहने वाले हैं, हरियाणा के, और ये टैंकर चलाते हैं। मिट्टी का तेल लेके ये किन्नौर जा रहे थे, तो धर्मपुर से थोड़ा सा आगे किसी ट्रक ने इनके मिट्टी का तेल का जो टैंकर है उसको टक्कर मार दी। उससे ये टैंकर जो है वो नीचे पलट गया था। इसमें इनके बयान पे 279/337 IPC के तहत केस दर्ज किया गया है। इनको चोटें आई थी तो इनको फर्स्ट एड दिलवाई गई है। फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें केस में चल रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।